वेलकम टू चेतनास करे किचन। आज हम एक ऐसी सब्जी बनाएंगे जो कि झटपट भी बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तो आज हम बनाएंगे मलाई चाप, जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चार चाप लिए हैं। अब इन चाप को मैं छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। तो यहाँ पे हम लगभग 1 से 1.5 इंच का पीस हम कट करेंगे और इसके बीच की जो स्टिक है उसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस स्टिक को निकाल लेंगे और इस चाप के हम लगभग 1 से 1.5 इंच तक के पीसेस हम कट कर लेंगे, जिससे जब हम इसको पकाएंगे तो पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ज्यादा मोटे पीसेस लेंगे तो उसको फ्राई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ ही में हम 1/4 टीस्पून जो मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, लेकिन आप ये दरदरी सी फ्रेश ही कूट के डालेंगे तो उसका फ्लेवर कुछ ज्यादा अच्छा आएगा। तो इन दोनों मसालों को हम इस पे अच्छे से कोटिंग कर देंगे और इसको लगभग 5 से 10 मिनट तक हम साइड में रख देंगे ताकि इनका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। तो जब तक इसको हम रेस्ट के लिए रखते हैं, आगे हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसालों का यूज करा है। तो 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 1 मोटी इलायची और 1 मैंने तेज पत्ता ली है। इन मसालों को आप दरदरा सा कूट लें तो इसका फ्लेवर जो है सब्जी में बहुत अच्छा आता है। तो तेज पत्ते को हम अलग रख देंगे और बाकी सब मसालों को हम थोड़ा अच्छे से क्रश कर लेंगे और ये जो मोटी इलायची है इसके हम इसमें दाने डाल देंगे जो अंदर होते हैं। तो इसको हम जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करेंगे और इसका जो फ्लेवर है हमारी सब्जी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है ये रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप दरदरा सा क्रश कर ले। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला रेडी है। दूसरी तरफ हमारी चाप को भी रेस्ट करे हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पैन में हम लगभग 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे और अब जैसे ही ऑयल गर्म होएगा तो हमने जो अपने चाप के पीसेस कट करके रखे थे उसको हम एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे और इसको लगभग हम जो है गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। इसको आप चाहो तो ज्यादा घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े घी में जो है फ्राई करेंगे तो सब्जी में ऑयल काफी कम होगा। तो इसको पलट पलट आप इस तरीके से करते रहें। सारी तरफ से इसको जो है हमने पकाना है और इसको जो है हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये अंदर से काफी अच्छे से पक जाए और इसकी जो अंदर की लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी तो उसमें जो ग्रेवी का फ्लेवर है उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब इसको हम इस पैन में से निकाल के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चाप मैंने निकाल ली है। तो अब हमारी चाप रेडी है। दूसरी तरफ हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही ली है और 10 से 12 मैंने काजू लिए। इन दोनों चीजों को हम ग्राइंडिंग जार में अच्छे से क्रश करके एक हम स्मूथ ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ पर दही और काजू को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ये पैन में जो हमारा घी बचा था उसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने जीरा डाला है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 हम तेज पत्ता डालेंगे। साथ ही में 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अब इसको हम कुछ सेकेंड्स के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है तो अब इस स्टेज पे जो हमने अपना मसाला क्रश करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो इसको भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है उसके बाद ही हम दही और जो काजू का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे।
अगर आप गरम गरम में डालेंगे तो आपका जो दही है फट जाएगा और आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए तब तक आप फ्लेम ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, अब मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने इस मसाले को पकाना है। तो ये दही को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में ये हमारी घी छोड़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मसाले ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दी है। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब इन दोनों चीजों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी भी जो है इसमें सेपरेट हो गया है, तो ये हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब इस स्टेज में हम जो है इसमें लगभग मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अगर हमें आगे जरूरत लगेगी तो हम और पानी का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रेश धनिए का यूज कर रही हूँ। अब इस धनिए को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बस हम इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है क्योंकि हम चाप में पहले डाल चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ क्योंकि चाप में ऑलरेडी नमक था, तो अगर हम ज्यादा डालेंगे तो नमक जो है काफी तेज हो जाएगा। तो बस अब हमें नमक मिक्स करने के बाद जो हमने अपनी चाप फ्राई करी थी वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आने लग जाएगा। तो इसको हम स्लो फ्लेम पर पकने के लिए लगभग 5-7 मिनट तक रख देंगे, जब तक कि हमारी चाप जो है अच्छे से ग्रेवी को जो है सोक ना कर ले और चाप के अंदर जो है ग्रेवी का एक अच्छा सा फ्लेवर ना आ जाए। 5-7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी नहीं है, घी जो है सेपरेट हो गया है। तो अब हमारी जो ये सब्जी है बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाप भी इतनी सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो ग्रेवी है अच्छे से सोक हो गई है। तो इस स्टेज में हमारी ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हम हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे। तो इस सब्जी को आप जो है एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं या फिर रोटी या पराठे के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।